गंगा की पवित्र स्थली और महर्षि भृगु की तपोभूमि बागी बलिया उत्तर प्रदेश बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों का भीड़, महिलाओं की एक तरफ और पुरुष का एक तरफ लाइनबद्ध तरीके से बाबा के गर्भगृह में जाकर जलाभिषेक हो रहा है। हर साल की भांति इस साल भी सावन के दिनों में बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर रोशनियों से जगमगा रहा है। पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से यहां लगी हुई है, चप्पे चप्पे में पुलिस के जवान तैनात हैं, यहां तक कि कोतवाल और सीओ भी राउंडिंग में हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। मुख्य द्वार से लेके मंदिर तक पुलिस का पहरा है, भक्तों की कोई दिक्कत ना हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसको लेकर प्रशासन के लोग लगे हैं। वहीं मंदिर प्रबंध कमेटी के भी लोग बड़े तत्परता के साथ देखे जा रहे हैं, यहां से लेकर हनुमानगढ़ी मंदिर तक और पंच दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर तक भक्तों की लंबी लाइन लगी है। मंदिर कब खुला, पूजन कब से शुरू हुआ, जलाभिषेक कब से शुरू हुआ, यह बात करते हैं। हमारे बीच चौबे जी हैं, पूरा नाम क्या लेते हैं? मुन्ना चौबे जी, ये बताइए चौबे जी, कितने बजे आज ये मंदिर बाबा का खुला है, जलाभिषेक कितने बजे शुरू है? ये मंदिर 12 बजे रात्रि से खुल जाता है और 12 बजे से ही लोग जलाभिषेक करते हैं और बहुत लंबी भीड़ लगती है, क्योंकि बारिश हो गया रात में, थोड़ा आज भीड़ कम है, लेकिन यहाँ लाखों लाखों की भीड़ होती है। किसी प्रकार की बाबा का ऐसा कृपा है कि किसी प्रकार की दिक्कत किसी को आज तक न हुई है, न होगा। बाबा स्वयं ही सभी इंतजाम करते हैं, किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होता है। यहाँ लोगों का अगर कोई सामान गिर जाए, कोई बिछुड़ जाए, तो हम लोग उसके लिए तत्पर रहते हैं, प्रशासन भी इसके लिए तत्पर रहता है कि हम लोग त्वरित गति से उसका निस्तारण करें। ऐसा हुआ भी है। ये मंदिर बहुत ही एक अपना स्थान रखता है, यहाँ जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो बाबा पूरा करते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैं तो यहाँ 45 सालों से आता हूँ, मैं देखा हूँ एक व्यक्ति को पूरा चरक फूट गया था, उसके पास बच्चे नहीं थे और डेली आकर के भोर में अब धुलाई पुछाई करता था, उसको लड़का भी हुआ और उसका पूरा चरक ठीक हो गया। तो ये बाबा की महिमा है, ये किसी अन्य की महिमा नहीं है, बाबा जो चाहेंगे वो करेंगे। अच्छा, 45 साल तक आप मंदिर में लगे हैं, 45 साल तक मंदिर का स्वरूप उस समय कौन था, मंदिर की स्थापना किसने किया मालूम है कुछ? देखिए, मंदिर पहले भी भव्य था, आज भव्यता और बढ़ गई है, मेन गेट वगैरह बन गया है तो भव्यता बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस समय भी लोग आते थे, इतना व्यवस्था नहीं हो पाता था, आज भी लोग आते हैं, व्यवस्था हर तरह का मिलता है, किसी प्रकार की दिक्कत। उस समय जिला भर के गवैया आते थे और बिना बुलाए और भोर तक गाना होता था। हमको याद है कि 8 आना दिया जाता था, एक गवैया को 8 दिया जाता था और वो लोग अति प्रसन्न होते थे, वो हारमोनियम और तबला छोड़ते नहीं थे कि हम गाएंगे, हम गाएंगे, हम गाएंगे। आज वो व्यवस्था नहीं है, आज व्यावसायिक बन गया है। मुझे मंदिर का जैसे बताते कि पहले गंगा में मंदिर थी, फिर शिवलिंग आया स्थापना, ये तो तीसरी बार मंदिर आया है, पहले ये दियारे में था, पहला दियारा था नहीं, गंगा जी के कटान से ये मंदिर का तीसरा स्थापना है, ये लच्छू बिल्लर के द्वारा कराया गया। लच्छू बिल्लर उन्होंने स्थापना की, आप ही के बिरादरी से बिलोंग करते हैं, उनका परिवार आज धरती पर नहीं है, उन्हीं लोगों का ये स्थापना कराया हुआ। लच्छू बिल्लर के परिवार के लोगों ने ही बाबा बालेश्वर मंदिर की स्थापना कराई थी। हाँ, कराई थी। चौबे जी ने कहा कि पहले और अब में भक्तों की भीड़ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पहले एक वक्त था, बहुत पहले की बात है, इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ती गई,
महिलाओं की सबसे ज्यादा संख्या बढ़ती गई। सुबह और शाम बाबा का दर्शन करने के लिए अपार भीड़ यहाँ लगता है। और वहीं पंडा लोग यहाँ जो बैठे हैं करीब 25 से 30 की संख्या में, गिलास में गंगा जल, दूध, बेलपत्र, भांग, सम्मी का तमाम पूजन सामग्री लेकर आप बैठे हुए हैं। और कोई रेट नहीं है, जो इच्छा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आपकी इच्छा शक्ति हो आप देते हैं, तो ये लोग बुरा नहीं मानते हैं। ये सबसे बड़ी यहाँ की मंदिर की विशेषता है जो हम आपको बता रहे हैं। तो फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़ रहे हैं हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।